और इस समय की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है पेपर लीक मामले पर। पेपर लीक मामले पर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान, अगर परीक्षा में 200 प्रश्नों में से 50 हो रहे हैं तो इसमें गलती किसकी। सचिन पायलट की यात्रा को लेकर भी प्रसादी लाल का बयान आया है, उन्होंने कहा है बड़े नेता उनके बारे में मत पूछिए। साथ ही पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा है 200 प्रश्नों में से 50 प्रश्न नहीं मिलते तो ये मामला पेपर लीक का नहीं है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जहां प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है 200 प्रश्नों में से अगर 50 प्रश्न नहीं मिलते हैं तो ये मामला किसी भी तरह से पेपर लीक का नहीं है। और सचिन पायलट की यात्रा पर भी प्रसादी लाल मीणा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है पायलट बड़े नेता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो दो विषयों पर बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री का, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, मंत्री प्रसादी लाल मीणा के दो बड़े बयान आए हैं पेपर लीक्स पे भी और सचिन पायलट पर भी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए बिल्कुल, प्रदेश भर में जो पेपर लीक का जो मामला है और गंभीर मामला है और इसको सरकार द्वारा भी गंभीरता से साथ लिया जा रहा है, लेकिन सरकार के ही मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को गंभीर नहीं मानते और इसको एक साधारण मामला मान रहे हैं। बात करें तो जिस तरह से जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है सचिन पायलट द्वारा इस मामले को लेकर ही इसी को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरते हुए जो पदयात्रा निकाल रहे हैं मामले को लेकर मंत्री प्रसादी लाल मीणा से बात की, उन्होंने कहा कि जो अगर किसी परीक्षा में 200 प्रश्नों में से 50 प्रश्न अगर लीक होते हैं तो उसे लीक नहीं माना जाता, 50% जो 25% जो क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसको लीक नहीं माना जाता। ठीक है। जबकि बात करें तो प्रसादी लाल मीणा के ही महकमे के की जो विभाग की जो भर्ती थी CHO भर्ती, उसी के भी उसको पेपर लीक वो भी हुआ था और CHO भर्ती जो पेपर लीक वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी उसको लीक माना था और उसमें भी उसी को लेकर भी मंत्री ने कहा कि इस तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ अभी तक और उसको पेपर लीक नहीं मानते हुए प्रसादी लाल ने कहा कि हमने भी पढ़ाई की थी उस दौरान पेपर बनाते जिसमें 50% जो प्रश्न वो मिलते थे, तो इस तरह से एक विवादित बयान प्रसादी लाल मीणा ने कहा है जिसको जो पेपर लीक का जो गंभीर मुद्दा है उसको मुद्दा नहीं मानते हुए प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि जो युवाओं द्वारा इस तरह से अगर गेस्ट पेपर में भी अगर पेपर प्रश्न मिलते हैं चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान पेपर लीक से जुड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है 200 प्रश्नों में से अगर 50 प्रश्न नहीं मिलते तो ये मामला पेपर लीक का नहीं है।